कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल गए। अगर आप, मैं आपके सामने बॉटल रखूंगा तो आप बॉटल को पेन इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि पेन की कैरेक्टरिस्टिक से मैच नहीं करता, या आप उसको बॉटल, उसको पेन इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि आपने पेन के अलावा दुनिया में सारी चीजें देख ली और फिर आपको पता चल गया कि पेन क्या नहीं होता। बेसिकली क्या नहीं होने के लिए दुनिया में सभी चीजें देखना इंपॉर्टेंट है, या जिसको, या सिर्फ पेन की पूरी कैरेक्टरिस्टिक अगर हमें पता हो तो भी हम ये कह सकते हैं कि वो पेन नहीं है। ठीक है, मेरा माइक लगाना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं मैं ये, आप प्रश्न, मेरा आप प्रश्न ये है कि अगर मुझे पेन के बारे में जानना है तो उसके लिए मुझे क्या पेन क्या नहीं है इसके बारे में पूरा सबके बारे में जानना पड़ेगा, तब मैं बता पाऊंगा, या फिर इसके कैरेक्टर्स को देख के मैं जान सकता हूँ, या फिर पेन को पूरा स्टडी, पेन के पूरा स्टडी करके हम कह सकते हैं कि बाकी चीज पेन नहीं है। ठीक है, जब हम बात करते हैं पेन को स्टडी करने की, तो स्टडी केवल हमारा इंपेरिकल यानी कि हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान के बेसिस पर हम उसको स्टडी कर पा रहे हैं, जो कि प्रत्यक्ष ज्ञान में आप जब प्रत्यक्ष कर पा रहे हैं किसी का तो वो अल्टीमेटली आप पूर्ण रूप से उसको प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहे। आप प्रत्यक्ष करने के साथ साथ जब आपने उसको सेंसेस प्रत्यक्ष किया, आपने सेंसेस करा, आपने परसेप्शन करा, फिर उसको उसके बारे में सोचा, कॉग्निशन करा, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। लेकिन उस प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रोसेस में आपका सबकॉन्शियस वहां पर उसको डिस्टॉर्ट कर रहा है। जब तक वो स्मृति आपके पास नहीं होगी, उस स्मृति के बेसिस पर ही तो आप उस बता पाएंगे कि ऐसी कोई चीज है सिमिलर, इस तरीके का कोई सिमिलर चीज है। सिमिलैरिटी में और इस चीज में दोनों में भेद जब तक आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे, क्रिएट करने के लिए आपको जैसी सिमिलर चीज का ज्ञान आपकी स्मृति में होना चाहिए। जब आपके पास उस स्मृति में उसका ज्ञान होगा तब आपकी डिफरेंस और उस स्मृति से आपने प्रत्यक्ष जो देखा, हाँ, उन दोनों चीजों के बाद परसीव किया वो सत्य है या नहीं है, बस इतना सा सवाल है। जो प्रॉपर्टी हमने, जो एट्रीब्यूट आपको ये दिखा कि आपको ये चीज है, जो चीज क्या है, पर आपको उसकी प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट है वो आपने परसीव की कि वो चीज लंबी है और टेढ़ी मेढ़ी है, तो वो जो एट्रीब्यूट है उसका या जो उसकी प्रॉपर्टी आपने परसीव की वो सत्य है या असत्य है? नहीं, वो जो प्रॉपर्टीज है वो असत्य है। वो प्रॉपर्टीज असत्य इस आधार पर है क्योंकि यदि कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी या ट्रूथ है तो वो एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम ट्रूथ रहेगा। यानी कि अगर मुझे वो चीज सांप लग रही है तो जब वो लाइट में आएगी तब भी मुझे वो सांप लगेगी, तब वो सत्य हो। पर जो प्रॉपर्टीज मैंने परसीव करी वो फॉल्सिफाई हो जाती है क्योंकि बाद में जब लाइट में वो चीज आती है, तो इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वो जो प्रॉपर्टी मैंने परसीव करी वो फॉल्स है, असत्य है। और किसी दूसरे क्वेश्चन से जी, पक्ष से मेरा सीधा सा क्वेश्चन है, आप कह रहे हैं कि परसेप्शन का जो ज्ञान है क्या वो सत्य है आपके लिए? परसेप्शन का ज्ञान जो है पूरा पूर्ण सत्य है? यहाँ पर हम जान ले रहे हैं हमारे पास परसेप्शन है सब कुछ है, एक ऐसी चीज जिसके ऊपर मेरी जो परसेप्शन है, मेरी जो प्रत्यक्ष की वो है इंद्रियां है, उन पर एक लिमिट है। उस मामले में जो आपको ज्ञान हो रहा है उसे आप फॉल्सिफाई या फिर सही किस बेसिस पे कर रहे हैं? इसी में एक और चीज है, अप्रत्यक्ष और मिथ्या के बीच में डिफरेंस भी बता दें। अप्रत्यक्ष और मिथ्या, तो पहले वाले प्रश्न, पहले वाले प्रश्न के केस में ऐसी बात है कि जब किसी चीज के बारे में मुझे ज्ञान नहीं, ठीक है, जिसको मैंने ऑलरेडी परसीव नहीं कर रखा है मेरे बारे में, उसके मेरे दिमाग में उसकी कोई नॉलेज नहीं बन रखी, तो जब मैं उसको पहली बार देख रहा हूँ तो भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है या नहीं होती, इसका कोई प्रश्न ही नहीं, क्योंकि डिबेट यहाँ पर भ्रम पर होगी। तो जब मैं किसी चीज को पहली बार देख रहा हूँ, परसेप्शन बना रहा हूँ उसके बारे में, तो भ्रम की स्थिति, जब मैं उसके बारे में परसेप्शन बना रही तो आगे का भी हो सकती है नहीं हो सकती अलग बात है, लेकिन जब पहली बार किसी चीज को परसीव कर रहा हूँ तब मुझे उसको लेकर किसी और चीज को लेकर भ्रम नहीं होगा, ये क्लियर है। मैं इसी में एड ऑन करना चाहूंगा, जैसे आपने बोला कि मैंने कोई चीज पहली बार देखी, तो जब पहली बार मैं किसी चीज को देख रहा हूँ, और इसी प्रकार से पूरी ह्यूमन एंटिटी ने जितने भी टर्म्स है, जितनी भी टर्मिनोलॉजीज बनाई, इसी आधार पर बनाई कि हमने कोई चीज देखी और उसके आधार पर हमने चीजों का आविष्कार किया, शब्दों का आविष्कार किया, भाषा का आविष्कार किया, तो पहली बार जब मैंने किसी चीज को परसीव किया तो दरअसल उस कंडीशन में अपनी स्मृति या किसी भ्रम का मतलब आधार नहीं लूंगा, उस कंडीशन में अपनी कल्पना का या सोचने समझने की क्षमता का प्रयोग करके उस चीज को नाम दूंगा। जहां तक बात रही हार्दिक भैया के प्रश्न की कि अप्रत्यक्ष और भ्रम में क्या अंतर है, तो अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दरअसल जो एग्जिस्टिंग नहीं, मतलब जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरी नजर के सामने नहीं है, और भ्रम दरअसल जो चीज नजर के सामने नहीं है उसका लगना, यानी अप्रत्यक्ष का लगना भ्रम है, पर अप्रत्यक्ष भ्रम दो अलग चीज़। मेरा दोनों टीमों से एक एक क्वेश्चन है जी। पहले विपक्ष आप बताइए, सीधा प्रश्न, ज्ञान एवं सत्य अवधारणाओं में एग्जिस्ट करता है या फिर अवधारणाओं के बीच के संबंध में एग्जिस्ट करता है? मैं दोबारा से पूछता हूँ, ज्ञान अवधारणाओं में एग्जिस्ट करता है या अवधारणाओं के बीच के संबंध में एग्जिस्ट करता है?
भैया जब हम ज्ञान अवधारणा तो कंसेप्ट, तो कंसेप्ट मैनेज करता है, कंसेप्ट के बीच का रिलेशन मैनेज करता है। जब हम किसी चीज किसी कॉन्सेप्ट के ज्ञान की बात करेंगे तो कॉन्सेप्ट का ज्ञान उस कॉन्सेप्ट के बाद वो कॉन्सेप्ट ऐसा क्या नहीं है वो जो जब हम चीज की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये पेन है, इस पेन का कॉन्सेप्ट है और उस पेन का ज्ञान इस कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसमें भी एडजस्ट करेगा कि ये पेन क्या चीज नहीं है। एक कॉन्सेप्ट ये भी होगा कि वो क्या नहीं है, दोनों में होगा, दोनों में। ठीक है, अब आपसे एक प्रश्न, किसी वस्तु का पक्ष, किसी वस्तु का रंग नीला है, मैंने उसे लाल परसीव कर लिया, क्या मेरे गलत परसीव करने से लाल रंग का अस्तित्व ब्रह्मांड से खत्म हो जाएगा? और अगर लाल रंग का अस्तित्व ब्रह्मांड में मेरे गलत परसीव करने के बाद भी एग्जिस्ट कर रहा है तो लाल रंग सत्य क्यों नहीं है? कोई वस्तु, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, मैंने कोई चीज नीली है, बोतल नीली है, मैंने कह दिया कि ये बोतल लाल है, ठीक है, मेरे उस बोतल को गलत परसीव करने से क्या ब्रह्मांड से लाल रंग का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? और अगर अस्तित्व तब भी है लाल रंग का, तो लाल रंग मेरे एक परसेप्शन से लाल रंग असत्य कैसे? इस प्रश्न का उत्तर मैं दो आधारों पर देना चाहूंगा। सबसे पहली बात, जब मैं नीले रंग को लाल रंग समझ रहा हूँ, उस कंडीशन में हमें ये समझना पड़ेगा कि ये आपका जो परसेप्शन है, ये परसेप्शन अपने कोर नेचर में बहुत सही नहीं है, क्योंकि इस परसेप्शन में आपने क्या किया, एक रंग जो कम्प्लीटली डिफरेंट है उसको किसी और चीज से परसीव कर दिया। पर इस पॉइंट ने पूछा आपसे, मैंने पूछा कि रस्सी को मैंने सांप समझ लिया, लाल को नीला समझ लिया, बोतल को पेन समझ लिया, कुछ भी समझ, मेरे उस गलत समझने से उस द्वितीय चीज का अस्तित्व है, और अगर क्या जिस चीज का अस्तित्व है वो चीज असत हो सकती है? ठीक है, तो भैया अगर इसका उत्तर मैं ऐसा देना चाहूंगा कि अगर मैं किसी चीज को, कोई चीज नीली थी उसको मैंने लाल परसीव कर लिया, तो लाल का अस्तित्व खत्म नहीं होगा, लाल उस कंडीशन के अंदर असत्य हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये पेपर है, ये व्हाइट है, अगर इसको मैं रेड समझ रहा हूं तो इसके इससे रेड कलर के पूरे ब्रह्मांड में अस्तित्व पर खतरा नहीं होगा, पहली चीज। लेकिन रेड कलर का इस सिचुएशन में होना असत्य है, रेड कलर असत्य नहीं है लेकिन रेड कलर के सिचुएशन में होना असत्य है, क्योंकि मैंने परसीव कर रहा था कि रेड कलर ऐसा, ये रेड कलर हो सकता है, इसलिए यहां पर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। अर्थात संबंध असत है, संबंध असत है, अवधारणा सत्य है, वो बनी। एक बार आपको आपने रस्सी या सांप देखा, आपको भ्रम हो गया, उसके विपरीत दोनों दल से यह सवाल है, ठीक है, आपको फिर लाइट जला दी गई, आपने देख लिया कि वो क्या है, आपको ये भी ज्ञान हो गया कि आपके लिए भ्रम क्या था, ठीक है, आपको भ्रम का ज्ञान हो गया, तो आपके लिए भ्रम का ज्ञान कैसा है, सत्य है, असत है, मिथ्या है, आपके लिए कैसा है, सत्य है, असत है या मिथ्या है? तो जब आप बात कर रहे हो भ्रम का ज्ञान क्या है, वो भ्रम का ज्ञान अपने आप में ज्ञान सत्य ज्ञान है। क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं, जो आख्याति की जब हम बात कर रहे हैं, तो आपको उस भ्रम का ज्ञान हुआ, इसका मतलब आपने उस भ्रम की वास्तविकता को जान लिया, आपको पता चल गया कि वो आपको पता ऐसा लग क्यों रहा था, आपको भ्रम हो क्यों रहा था, तो इसका मतलब वो ज्ञान सत्य है अपने आप में। दूसरा एक इसी में चाहूंगा कि जब आपने जान लिया कि भ्रम एग्जिस्ट, जैसे मैंने रस्सी को सांप समझ लिया विशेष परिस्थिति में, तो रस्सी को मैंने सांप समझा एक स्पेसिफिक टाइम एंड स्पेस में, एक क्षण में, और क्षण का अनुभव मुझे तब हुआ जब वो बाद में जब अंधेरा से उजाला हुआ, तो उस क्षण में जब अंधेरा था उसका अनुभव मुझे उजाले में है, तो वो एक स्मृति है, उजाले में अंधेरे की स्मृति, मतलब अंधेरे की उजाले में आने पर स्मृति बन गई, तो वो जो चीज थी जो प्रत्यक्ष हुई वो स्मृति ज्ञान ऐसे बन गया। नहीं, हमारे अनुसार विपरीत, वो मिथ्या ज्ञान, भ्रम का ज्ञान उस कंडीशन में मिथ्या ज्ञान इस हिसाब से होगा कि जब मैंने रस्सी देखी और मुझे वो रस्सी सांप लगी, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मैं अट्रीब्यूट जोड़ने की कोशिश कर रहा था, वहां पर मेरा जो स्मृति ज्ञान था वो जो मेरा प्रत्यक्ष ज्ञान उस पर हावी हो रहा है, यानी कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रत्यक्ष ज्ञान फॉल्सिफाई हो जाता है, झूठ साबित होता है, असत्य होता है। जब वो चीज लाइट में आती है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं उसके प्रत्यक्ष रूप को परसीव करता हूँ, अब वहां पर प्रत्यक्ष सत्य हो गया, जो स्मृति है वो असत्य हो गया, यानी कि जब हम इसको देखते हैं तो जब मुझे पता चला कि मुझे भ्रम हो रहा था, तो उस भ्रम का ज्ञान मिथ्या ज्ञान है कि हमें जो पहले लग रहा था वो दरअसल झूठा साबित हो गया जब वो चीज लाइट में आती है। बहुत बता लगता है, दोनों टीमों को बहुत बहुत धन्यवाद।